हेलो दोस्तों, ये देखिए, क्या कोई देखकर बता सकता है? इसको हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। देखकर क्या, मैं गारंटी लेती हूँ कि कोई खाकर भी नहीं बता पाएगा कि ये मैंगो कुल्फ़ी हमने घर पर बनाकर तैयार की है। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, एकदम क्रीमी, मुंह में घुलने वाली हमारी ये मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसमें ना तो हमने कोई कंडेंस मिल्क यूज किया है, ना ही कोई कस्टर्ड यूज किया है, ना ही कॉर्नफ्लावर यूज किया है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज किया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो अपनी आज की इस ठंडी ठंडी और क्रीमी क्रीमी मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 आम। तो मैंने ये वाले आम लिए हैं, आपकी तरफ जो भी आम मिलते हों आप उसको ले सकती हैं। तो 2 आम हमें लेने हैं। तो इनका यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना ज़रूर चाहूँगी कि आजकल मार्केट में लोग अपने फ़ायदे के लिए कार्बाइड के द्वारा आम को पका रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप क्या करें, आम को यूज करने से पहले 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें, और उस पानी के अंदर आप बेकिंग सोडा, साथ ही में नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और उनको 1 घंटे बाद भीगे रहने दें, और उसके बाद आप उसका यूज करें। इस तरीके से जो केमिकल इन पर लगा होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है उसकी मात्रा, ताकि हमारे शरीर को हानि ना पहुंचे, इसलिए हमें ये काम करना ज़रूरी होता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, आम को धोने के बाद मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आम को इस तरीके से मैंने साफ़ कर सुखा लिया है। अब हमें क्या करना है, एक आम हम उठाएंगे और चाकू लेंगे, चाकू की सहायता से हमें इनका जो ऊपर का ये छिलका है इसको हटा देना है। तो सारे छिलके को हमें हटा लेना है और इसका जो पल्प है उसको हमें अलग से निकाल लेना है। तो ये देखिए, दोनों ही आमों को हमने अच्छे से छील लिए हैं और इनको मैंने एक बार और धुल लिया है। अब हम चाकू लेंगे और चाकू से इस तरीके से जो इसका ऊपर वाला ये पार्ट है ना, जो इसका पल्प है, इसको हम निकाल लेंगे। पल्प को निकालने के बाद अब हम इस तरीके से उठाएंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। तो चलिए सभी को इस तरीके से काट लेते हैं। तो दोनों आम को इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए इसको अब हम साइड रख देते हैं, अपना आगे का काम कर लेते हैं। अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने ली है 1/2 कप चीनी। तो जो आम मैंने लिए हैं वो थोड़े मीठे हैं, तो उसके लिए मैं इतनी चीनी ले रही हूँ, ये सफिशियंट है। आप अपने आम को पहले चेक कर लें, उसके बाद आप चीनी का यूज करें, आप कम या ज़्यादा चीनी को कर सकती हैं। अब जार का ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, चीनी को हमने पीस लिया है। चलिए अब हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। अब हम वापस से लेंगे मिक्सी का जार। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाला जार लिया है, और ये जो आम हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखे थे, ये सारे आम हम इस जार के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। तो सारे आम को जार के अंदर डाल देंगे। आम को जार के अंदर डालने के बाद अब हमने जो चीनी को पीस कर रखा था, जब हमने पाउडर बनाया था ना, ये सारा चीनी का पाउडर हम इस आम के साथ में ही डाल देंगे। अब जार का ढक्कन लगाएंगे और इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आम की हमने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है, इसको साइड में रख देंगे। अब एक बाउल के अंदर मैंने ले लिए हैं यहाँ पे थोड़े से आइस क्यूब, क्योंकि हमें क्रीम को व्हिप करना है, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि नमक डालने से ना जो आइस है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती है, काफ़ी देर तक ये ऐसे ही बर्तन में रहती है। तो नमक थोड़ा सा ज़रूर डाल दें जब आप क्रीम को व्हिप करें। अब इस आइस के बाउल के ऊपर हम रख देंगे अपना व्हिपिंग क्रीम वाला बाउल। तो यहाँ पर मैंने जो व्हिपिंग क्रीम वाला पाउडर होता है ना, उसका 1 कप भरकर मैंने ले लिया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, बेकर्स का है जिसको मैं यूज करती हूँ। तो इसका मैंने 1 कप भरकर इसमें डाल दिया है। अब हैंड विस्क कर लेंगे और इससे इसको बीट करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप इससे भी इसको कर सकती हैं। और ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में इसको हमें फेंटना है। तो चलिए इसको फेंट लेते हैं। और ये देखिए, एक ही डायरेक्शन में मैंने इसको लगभग 7 से 8 मिनट के लिए लगातार इसको फेंट लिया है, और हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला क्रीम का पाउडर ना हो, या फिर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो, तो आप इसकी जगह पर अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है ना, इजीली सभी शॉप पर मिल जाती है, तो उसको आप यूज कर सकती हैं। अब इस क्रीम के अंदर हमें ये जो पल्प हमने बनाया था ना मैंगो का, उसको डाल देंगे। तो सारा जो प्यूरी है वो हम इस क्रीम के अंदर डाल देंगे, अच्छे से इसको मिला लेंगे। अच्छा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ये जो पाउडर मैंने मंगाया ना व्हिपिंग क्रीम का, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम जो ओरिजिनल होती है वो मिल नहीं पाती, तो ये पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। इसकी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट के जैसी। तो आप इसको मंगा सकती हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये देखिए, क्रीम के साथ हमने जो मैंगो का पल्प था उसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया है। तो जो हमारा मिक्स है आइसक्रीम वाला, वो बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहे तो इसको कंटेनर में डालकर इसकी आइसक्रीम बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी इसकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी।
लेकिन मैं बनाने वाली हूँ इसकी कुल्फ़ी। तो इसके लिए मैंने ये इस तरीके के कुल्फ़ी मोल्ड हैं मेरे पास, जिनको मैंने ले लिया है, और थोड़े से आइसक्रीम वाले मोल्ड भी हैं, इनमें भी मैं इसकी आइसक्रीम बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहें तो, अगर आपके पास ये ना हो तो आपके पास घर में जो छोटे छोटे ये स्टील के ग्लास होते हैं ना, इसमें भी बनाकर तैयार कर सकती हैं, या फिर जो छोटी छोटी ग्लासी आती है बच्चों के पानी पीने वाली उसमें भी बना सकती हैं, या फिर पेपर वाले जो कप होते हैं ना उसमें भी इनको बड़े आसानी से बनाकर आप तैयार कर सकती हैं। तो अब इस तरीके से हम एक एक मोल्ड को उठाएँगे और इनके अंदर स्पून की सहायता से हम बैटर को डाल देंगे, जो हमारा मिक्स है कुल्फ़ी वाला उसको डाल देंगे अच्छे से। इसको ऊपर तक, पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, जो इसके अंदर ये लाइन होती है ना बनी हुई, बस इस तक ही हमें इसमें जो मिक्स आइसक्रीम वाला उसको डाल देना है। तो चलिए सारे मोल्ड में पहले हम इस मिक्स को अच्छे से डाल देते हैं। और ये देखिए सभी मोल्ड के अंदर मैंने अच्छे से जो आइसक्रीम वाला मिक्स था उसको डाल दिया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकती हैं प्लेन, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जो ये वाले कुल्फ़ी मोल्ड हैं इनमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है पूरे तरीके से। आप चाहें तो इसमें कोई नट्स भी डाल सकती हैं, काजू या बादाम, जो भी आपको पसंद हो, ये बस देखने में अच्छा लगता है। बाकी जब खाते हैं तो खाने में तो टेस्ट इसका वैसे भी अच्छा है, अगर आप इसको सिंपल बनाएंगी तो भी ये बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी लगने वाली है। लेकिन इस तरीके से मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसमें डाल दे रही हूँ। टूटी फ्रूटी डालने के बाद अब इस तरीके से हम ले लेंगे सिल्वर पेपर, या फिर आप इसके ऊपर जो पोलोथीन रैप होती है उसको भी लगा सकती हैं। अब इसका ढक्कन लगा देंगे, इससे क्या होता है इसमें जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जमते और हमारी कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो सभी पर इसी तरीके से हम रैप को लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब चाकू लेंगे, चाकू से इसके बीच में जो ये दिया हुआ है ना होल, इसमें से हम चाकू से थोड़ा सा इस तरीके से निशान बनाएंगे और जो आइसक्रीम स्टिक है इस तरीके से हम इसके अंदर लगा देंगे। तो सभी को इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो सभी मोल्ड को हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी इसको रखकर छोड़ सकती हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। और ये देखिए मैंने इनको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दिया था, तो जो हमारी कुल्फी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से एक मोल्ड को उठाएंगे। आप चाहें तो इसको पानी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें इसको थोड़ा सा हिला दीजिए, या फिर इस तरीके से उठाकर हाथों के बीच में जैसे मैं रब कर रही हूँ इस तरीके से रब करिए, जो हमारे हाथों की गर्मी है इसके अंदर पहुँच जाएगी और जो हमारी कुल्फी है वो बड़े आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 सेकेंड के लिए, इस तरीके से हाथों के बीच में इसको घुमा लेंगे। अब हम इसका जो ऊपर का ढक्कन है इसको हटा देंगे और ये जो कवर है हमने लगाया था इसको भी हटा देंगे। और ये देखिए अब हल्के हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए वाव, कितनी बढ़िया हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुलने वाली हमारी जो कुल्फ़ी है वो बनकर तैयार हुई है। कोई देखकर बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि इसको हमने घर में तैयार किया है। इसको हम प्लेट में रख लेंगे और ये जो दूसरे वाली कुल्फ़ी मैंने बनाई है ना, इसको भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। उठा लेंगे मोल्ड को और हाथों के बीच में थोड़ा सा इसको रब करेंगे इस तरीके से। अब हल्के हाथों से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए वाव, लग रही है ना कितनी बढ़िया, मतलब मार्केट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इस तरीके से घर में इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं तो मार्केट में जाने की क्या ज़रूरत है, घर पर बनाइए, बहुत ही आसानी से ये कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। और टेस्ट तो आप इसका पूछे ही मत, जिसको भी खिलाएंगे ना वो खाकर इसका दीवाना हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी ये कुल्फ़ी लगने वाली है। तो हमारी जो मैंगो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है खाने के लिए। आप इसको इस तरीके से ठंडी ठंडी सर्व कीजिए, घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं, यकीन मानिए उनको ये बेहद पसंद आएगी। तो आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए बनाने के बाद तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।